हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप क्लास 10 में हैं, 12 में हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, तो उसके लिए आपको रोल नंबर ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वो रोल नंबर मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं, एडमिट कार्ड आप अपना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपना रिजल्ट आज ही देख सकें। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम में, अगर आप फ़ोन पर चलाते हैं तो फ़ोन में जाइए, या आपके पास पीसी है बेटर रहेगा कि अगर आप पीसी पर हैं तो पीसी में खोल लीजिए, ठीक है। और अभी हम लाइव भी आएंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिएगा। ये देखिए, आपको लिखना है cbse.it.in, ठीक है। ये cbse.it जो है, ये वाला चीज़ आपको खोलना है, ठीक है। ये cbse.it.in ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट खोलते ही आपको देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा। तो ये देखिए, अगर आप क्लास 12 में हैं और 10 में हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लास 12 में, एक मेरा भाई है उसका लिए मैं देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया। अब कैंडिडेट का नाम आपसे मांगा जाएगा, तो कैंडिडेट नेम में आप एक काम यहाँ से डालिएगा, एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट का नाम डाल दीजिएगा, आप अपना नाम, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैंने डाला विश्वजीत कुमार, ये मेरे भाई का नाम है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे स्कूल कोड डालूंगा, देखिए स्कूल कोड वगैरह मैं ब्लर कर दूंगा, स्कूल कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब मैं ब्लर कर दूंगा पर्सनल डिटेल्स के चलते, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये आप अपने से अच्छे से डालिएगा, बहुत अच्छे से डालिएगा वरना आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, ठीक है, अदर्स नेम डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं मदर्स नेम डाल दूंगा, ठीक है। और इतना कुछ डालने के बाद आपको सर्च डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च डेटा पे क्लिक, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके का बन के आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड बटन रहेगा। अब इस डाउनलोड बटन पे आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लिक कर देना है डाउनलोड करने के लिए। आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको मैं और अगर, तो आई होप कि आप देख पाएंगे और जल्दी से अपना रिजल्ट भी देख पाएंगे। जल्दी से आप बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। क्लास 10 के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसी तरीके से चेक कर लीजिए, वरना 10 की एक अलग वीडियो आएगी, मैं उसको बताता हूँ अभी आपको कैसे आप देख सकते हैं, अच्छे हेल्प मिल सकता है। हो सकता है आप कोडिंग सीखना चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए कोड विद अंकित। बाय बाय, लाइव जरूर आइएगा।